नमस्कार दोस्तों, अभी तक मैं शॉर्ट स्टोरी लिख रहा था तो सोचा उन शॉर्ट स्टोरी को कुछ अपनी आवाज दूं। मेरी आवाज अच्छी नहीं है मुझे बताए, पर फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को ये स्टोरी अच्छी लगे। मेरी स्टोरी का नाम है छक्का। ये स्टोरी मैंने उन लोगों के लिए लिखी है जो समाज को एक आईना दिखाती है कि केवल लड़की या लड़का होना ही इंसान नहीं है, हर वो चीज जिसमें जान है वो इंसान है। तो मैं समय व्यर्थ ना करते हुए अपनी स्टोरी को आप लोगों को सुनाता हूँ, और अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। स्टोरी छक्का, ये नाम उसे मिला था समाज से, पर क्यों उसे आज भी समझ नहीं आया था। उसने खुद को तो पैदा नहीं किया था, वो भी अपनी माँ और पापा की वजह से इस दुनिया में आया था। पापा का प्यार क्या होता है उसे तो वो कभी जान भी नहीं पाया था। माँ अभी तो उसे जी भर के देख भी नहीं पाई थी कि दुनिया उसे काटने सी आई थी। उसके लिए तो भी वही औलाद थी जो मेरे दूसरे भाई और बहन थे। माँ ने बड़ी मुश्किल से मुझे अपने पास रखा था, क्योंकि माँ की ममता मुझे छोड़ नहीं पाई थी। वही बस एक थी जिसने मुझे जीने की इच्छा जगाई थी। माँ ने मुझे एक बेटे की तरह रखा और खुद और सदा यही बोलती थी कि बस तुझे कुछ करना है और अपने भाई और बहन से भी आगे निकलना है। जब भी स्कूल से घर आता तो दादी बोलती, पता नहीं क्यों इसे स्कूल भेज रही है, जैसे बड़ा होकर ये कलेक्टर बनेगा, इसे नाच गाना सिखा दे। माँ ये सुनकर बहुत रोती और मुझसे बोलती, बेटा तुझे बस कलेक्टर बनना है। आस पड़ोस के लोग भी मुझे बड़ी गंदी नजर से देखते, जैसे मैं एक इंसान ही ना हूँ। बच्चे मेरे साथ खेलते तो उन्हें मना कर देते और बोलते ये तो छक्का है। घर आता और माँ को बताता सारी बात तो माँ मुझे बोलती, बेटा तू नहीं, वो छक्के है, तू तो मेरा राजा बेटा है। स्कूल में एक डिबेट थी, उसका टॉपिक था इंसान, और मुझे भी उस डिबेट में बोलना था। घर आया और माँ को बताया, माँ बहुत खुश थी और उसने मेरी डिबेट पर एक पेज लिखवाया था। उस दिन मंच पर गया तो बस इतना ही बोला कि इंसान केवल लड़का या लड़की ही नहीं होते, वो सब इंसान भी इंसान होते हैं जिनमें जान होती है, और मैं भी एक इंसान हूँ। क्या गलती है मेरी कि जो मुझे छक्का बुलाते हो, कभी मेरे दिल से भी पूछो कि मैं कौन हूँ, कोई एलियन तो नहीं, इसी समाज का हिस्सा हूँ, तो क्यों मुझे ये गाली देकर बुलाते हो। उस दिन पहली बार स्कूल के टीचर्स की आंखों में भी आंसू थे और आकर सबने मुझे गले से लगाया था। आज सच में मुझे अपना स्कूल पहली बार भाया था। घर आया तो डिबेट की ट्रॉफी भी साथ लाया था। माँ ने मुझे प्यार से गले से लगाया था, माथे को चूमा और बोली, बेटा ये तो तेरी पहली जीत है। पर पापा ने मुझे हाथ भी नहीं लगाया था। भाई और बहन ने भी मुझे गले से लगाया था। स्कूल खत्म हुआ और मैं अव्वल मतलब फर्स्ट आया था, तो माँ ने पूरे मोहल्ले में मीठा बंटवाया था, मीठा मतलब मिठाई। माँ ने प्यार से चूमा और बोली, बेटा बस ऐसे ही आगे बढ़ो और एक दिन इस पहाड़ से भी आगे बढ़ो। पहाड़ मतलब उसके पिताजी। कॉलेज तक तो सब समझ आ गया था कि आगे क्या करना है, क्योंकि ये मेरे अकेले की लड़ाई नहीं थी, मुझे तो औरों के लिए भी लड़ना था। कॉलेज भी टॉप किया और घर आया तो माँ तो सातवें आसमान पर थी, क्योंकि उसके बेटे ने पूरे कॉलेज को टॉप किया था, इससे उसकी माँ सातवें आसमान थी। और अब हिम्मत के साथ बोली आपके बेटे ने कॉलेज टॉप किया है तो भी पापा ने मुंह बनाया था। मैं लग गया था पूरी मेहनत के साथ कि अब IAS का एग्जाम निकालना है, क्योंकि IAS का एग्जाम निकल कहीं कलेक्टर बना जाता है, वो उसका बचपन का सपना जो उसकी माँ ने देखा था।
और केवल माँ को मैंने बताया था। माँ ने कहा था, बेटा तेरी जीत के आगे कुछ भी नहीं। तो आत्मविश्वास चरम सीमा पर आया था। मैं एग्जाम दे आया था और कुछ महीने बाद रिजल्ट आया था, तो टॉप किया था मैंने और अखबार वालों को फोटोशॉप किया, अपना और पापा का फोटो दे आया था, क्योंकि उसका और उसके पापा का कभी साथ में कोई फोटो था ही नहीं, तो उसने अपना एक फोटोशॉप एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसमें हम जो है अलग अलग फोटो को एक साथ लगा सकते हैं। सुबह पेपर जैसे ही पापा ने उठाया था, फ्रंट पेज पर छक्के का फोटो साथ आया था। पापा ने मुझे बुलाया, गले से लगाया और बोले, तूने अपने दम पर मेरे पहाड़ से अहंकार को गिराया है। आंखों में आंसू और प्यार से सिर पर हाथ रख कर बोले, बेटा बस आज मुझे दुनिया का मतलब समझ आया था। तो मेरी ये शॉर्ट स्टोरी यहीं खत्म होती है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये जो है पसंद आई होगी, और इसी तरह की शॉर्ट स्टोरी मैं आगे भी लाता रहूंगा, क्योंकि मुझे आजकल शॉर्ट स्टोरी लिखने का शौक चढ़ा है, और जितने दिन तक ये शौक है तो सोचता हूँ कुछ तो आप लोगों के साथ भी शेयर कर लूं। प्लीज इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये कहते हैं ना, सबसे पहले घर से शुरुआत होनी चाहिए। अगर घर से इन ट्रांसजेंडर या थर्ड जेंडर को प्यार मिलेगा, तो क्योंकि घर से बाहर निकलना मतलब कि घर से ही समाज बनता है, तो इस समाज में ही उनसे प्यार मिलेगा। प्लीज प्लीज अब मैं ये स्टोरी यही करूंगा। थैंक यू वेरी मच।